हाथरस आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने की समस्या को लेकर बसपा के पूर्व ऊर्जा मंत्री व विधायक रामवीर उपाध्याय द्वारा निर्धारित धरना प्रदर्शन की सूचना पर जिला प्रशासन ने SDM को भेजा। रामवीर उपाध्याय के आवास SDM के अनुरोध पर विधायक पहुँचे पराग डेरी। जानवरों की हालत देखकर विधायक ने अधिकारियों को हड़काया। विधायक को देख डॉक्टरों ने बीमार जानवरों का करने लगे इलाज। रामवीर उपाध्याय ने SDM से कहा जल्द करे जानवरों के रख रखाव की उचित व्यवस्था व खाने पीने का करे सही प्रबंध। किसानों की समस्या का जल्द से जल्द प्रशासन करे निदान। SDM खुद पहुँचे रामवीर के पास। आपको बता दें कि इन दिनों किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं द्वारा उनकी खेती बर्बाद करने की है, जिसको लेकर किसानों ने कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया है। उसके बाद जिला प्रशासन ने कुछ आवारा जानवरों को हाथरस के सासनी में स्थित पराग डेयरी में एकत्र कर दिया था। बसपा द्वारा किसानों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इस ऐलान को सुनकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और खुद सासनी SDM नितेश कुमार लेवर कॉलोनी स्थित पार्क पर पहुंच गए, जहां बसपा कार्यकर्ता एकत्र हो रहे थे। फिर विधायक से बात कर उन्हें पराग डेयरी ले गए। प्रशासन जल्द करे किसानों और जानवरों की समस्या का हल। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ पराग डेयरी पहुंचकर जानवरों की हालत देखी तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया, जिस पर अधिकारियों को हड़काते हुए जल्द से जल्द जानवरों के खाने पीने और उचित रख रखाव करने का प्रशासन से अनुरोध किया है। लोगों से की सहयोग करने की अपील। खुद रामवीर उपाध्याय ने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ शहर के लोगों से अपील की है कि वह जानवरों का आज आपके द्वारा धरना प्रदर्शन की बात कही गई। पूरे जनपद के किसान छुट्टा गायों से और साड़ों से बहुत दुखी है। सारी रात किसान लाठी लेकर के अपने खेत पर बैठे रहते हैं और किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी। गेहूँ आलू आलू खत्म कर दी। आलू में कोई निकल जाते हैं तो आलू भी खराब हो जाते हैं, गेहूँ में जाता है गेहूँ खत्म हो जाते हैं। बोल लंदे भैया नहीं बोल, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इन्होंने बताया था, कल मेरी बात हुई थी जिलाधिकारी हाथरस से, उन्होंने कहा था कि भाई आप धरना न दें और हम व्यवस्था आपको दिखाते हैं। हमने बहुत सारे पशुओं की व्यवस्था की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। चारे की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अभी ये गाय या बैल है, शायद वो बर्णासन जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश शासन को पूरी व्यवस्था, यहाँ के जो पशु हैं यहाँ पर जो बंद किए गए हैं, उनकी हरी चारे की व्यवस्था भी करनी चाहिए, भूसे की व्यवस्था करनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और डॉक्टरों को सही समय पर देखते रहें, डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं खास करके चुके सरकार को तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं अपने हाथरस के सभी संभ्रांत व्यक्तियों से भी ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो भी गायों के लिए जितना भी हरा चारा या भूसा की व्यवस्था कर सकते हैं वो करें, और मैं भी करूँगा। मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए हुए जिले से, और खास करके हमारे मुरसान ब्लॉक से बहुत सारे भाई यहाँ पर आए हुए, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही संभ्रांत लोग हैं, सब लोग व्यवस्था करेंगे, मैं भी करूँगा। लेकिन पूरे जिले के संभ्रांत लोगों से अपील है कि वो गायों की व्यवस्था करें और जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और खास करके उप जिलाधिकारी शासनी और जितने प्रशासन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अखबारों में तो बड़ा बड़ा छप रहा है, वहाँ से लखनऊ से भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन देखने को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हरा चारे की व्यवस्था आपने देखी, कुछ है नहीं, पीने के पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं है, और वैसे व्यवस्था ये करना चाहे प्रशासन का, कम से कम 5-7 हज़ार गायों की व्यवस्था और यहाँ हो सकती है। कल जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि ब्लॉक स्तर पर और गांव में गौशाला बनाई जाएंगी और उनमें अस्थायी रूप से बनाई जाएंगी, तो क्या लगता है इसमें कुछ कारगर होंगे? देखिए, जब तक प्रधान को पैसा नहीं मिलेगा तब तो प्रधान कहाँ कराएंगे, या कई प्रधान मौजूद है, बहुत सारे प्रधान यहाँ मौजूद हैं। हमें मेरी बात हो रही थी, मैं लेवा कॉलोनी वाले पार्क में बैठा हुआ था, कह रहा था जिलाधिकारी बात तो कर रहे हैं गाँवों में इनकी व्यवस्था की जाएगी गौशालाओं की, लेकिन पैसा तो होना चाहिए, फंड तो देना चाहिए।